नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूँ आपके साथ ज्योति सिन्हा। इस वक्त पूरा बिहार बाढ़ की चपेट में है। बाढ़ ने एक और जहां कई घरों को, कई मवेशियों को तो कई लोगों को अपनी चपेट में ले लिया, तो वहीं कई पुल बाढ़ के इस पानी में बह चुके हैं। कई पुल ध्वस्त हो चुके हैं, आवागमन तक ठप हो चुका है, लोगों को परेशानी हो रही है। इन परेशानियों के बीच में आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज खुद बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करने वाले हैं। आज खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं वो ये जायजा लेंगे, निरीक्षण करेंगे और देखेंगे कि बाढ़ पीड़ितों के बीच जो खाना जा रहा है वो खाना सही है या नहीं। फूड पैकेट्स जो बाढ़ पीड़ितों के बीच जा रही है वो सही है या नहीं। इसी के साथ लोगों को जो परेशानी हो रही है इसे देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज बाढ़ पीड़ितों को पैसे भी बांटने वाले हैं। बिहार के 18 जिलों में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। बिहार की कोसी, गंडक और बागमती जैसी नेपाल से जुड़ी नदियां उफान पर है। खेतों में खड़ी फसलें डूब गई हैं, घरों में पानी भर गया है, जिसे देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज यानी कि शुक्रवार को बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। जहां वो बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के बाद पीड़ित परिवारों से बात करेंगे और उन्हें अनुग्रह राशि सौंपेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुबह करीब 11:30 बजे हवाई मार्ग से बाढ़ प्रभावित इलाके दरभंगा पहुंचेंगे, जहां सीएम इंडोर स्टेडियम में बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए तैयार किए जा रहे फूड पैकेट सेंटर का निरीक्षण करेंगे, जिसके बाद दोपहर 12:30 बजे दरभंगा के बिरौल स्थित पुनाच गांव में सामुदायिक किचन का जायजा लेंगे और 4:30 बजे बाढ़ प्रभावित जिलों के परिवारों को अनुग्रह राशि बांटेंगे। बता दें कि बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार गंडक, कोसी, बागमती, महानंदा और अन्य नदियों में जलस्तर बढ़ने से 18 जिलों में बाढ़ आ गई है। पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, गोपालगंज, सारण और खगड़िया में 88 प्रखंडों के 469 ग्राम पंचायत बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ प्रभावित 18 जिलों में राज्य की 16.5 लाख से अधिक आबादी प्रभावित हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ पीआर लाइव, पटना।